हेलो लर्नर्स, दिस इज योर प्रेजेंटर रवि। सभी विद्यार्थी व शिक्षार्थियों का पुनः स्वागत है इस शिक्षा केंद्रित चैनल में, जो आप जैसे अच्छे बच्चों के लिए, अच्छे विद्यार्थी के लिए डेडिकेट की गई है इस प्लेटफॉर्म को। यहाँ पे हम नेट की परीक्षा, संस्कृत के विषय के नेट की परीक्षा की हम प्रिपरेशन कराते हैं, वहाँ पे हम मॉक टेस्ट लेते हैं और नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आज के वीडियो का शीर्षक है संस्कृत नेट कम्प्लीट नोट्स NTNH संस्कृत सिलेबस यूनिट 7 मंगलाचरण। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस प्लेटफॉर्म में हम MCQ डालते हैं, जो मॉक टेस्ट है संस्कृत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो टेस्ट करते हैं हमारा नॉलेज बेस कितना है। तो इसके लिए हम आज से एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो कंप्लीट कवरेज, जो संस्कृत के नेट की जो एग्जाम है, जो वहाँ पे जो सिलेबस है वहाँ पे कंप्लीट नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे PDF की माध्यम से। उसके लिए हम टाइप कर रहे हैं अभी, इसलिए आज पहला वीडियो आज बीता था इसके रूप में हम देख रहे हैं जे कितना मतलब रिस्पॉन्स के साथ है। तो हम उसके लिए सारे कंप्लीट नोट्स हम टाइप कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद हम PDF के तौर पर हम वीडियो बनाएंगे और PDF भी अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोग डाउनलोड कर सके। तो उसके लिए आप लोग चैनल को समर्थन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप लोग भी ग्रो करें, हम भी ग्रो करें एक साथ। तो यही था, सो नेट बना नोट्स हम बना रहे हैं, जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। तो ये पहला वीडियो इस सीरीज का, संस्कृत का जो कंप्लीट नोट्स है उसका पहला वीडियो। उसमें क्या है, NTNH संस्कृत सिलेबस यूनिट 7। संस्कृत सिलेबस में 10 यूनिट है, 10 में बहुत सारे सब्जेक्ट है, मतलब बच्चे की जान लेंगे अभी ये NTA वाले, इतना सब्जेक्ट डाल दिए कि पढ़ो, पढ़ते रहो। सो इसलिए हम उसको डिवाइड करें छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि कोई मतलब ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, ताकि छोटे छोटे पॉइंट्स में हम पढ़ के हमको उन सब चीज़ों को हम रिटेन कर सकें। सो उसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मंगलाचरण। मंगलाचरण बार बार आता है, मतलब जितने भी प्रख्यात काव्य है, गद्य प्रख्यात पुस्तक है, उसका जो मंगलाचरण है वो जाना हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका एक ना एक क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन हमेशा आता है नेट की क्वेश्चन में, नेट की परीक्षा में। तो ऐसा आता है कि एक अंक दे देंगे पहला मंगलाचरण का, तो उसका क्वेश्चन आएगा कि ये कौन से काव्यों का है, कौन से महाकाव्यों का है। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मंगलाचरण, हमको जानना होगा कि कौन से है। तो सबसे पहले पहला टॉपिक तो है मंगलाचरण, उसमें पहला पॉइंट तो है मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार के होते हैं मंगलाचरण, क्या क्या, नमस्कारात्मकम, वस्तु निर्देशात्मकम और आशीर्वादात्मकम। नमस्कारात्मकम मंगलाचरण में क्या होता है कि किसी देवी को, किसी भगवान को हम नमस्कार करते हैं, और किसी गुरु को हम अगर नमस्कार करते हैं, वो मंगलाचरण नमस्कार का होता है। जैसे व्याकरण सिद्धांत को कौमुदी का जो मंगलाचरण है वो नमस्कारात्मक है। और उसी का सेकंड है वस्तु निर्देशात्मकम। वस्तु निर्देशात्मकम का मतलब जो काव्यों के जो वस्तु है, जो कथा है, जो मेन पार्ट है, उसका जो निर्देश करते हैं पहले ही मंगलाचरण में, वो मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मकम है। उसके बाद आशीर्वादात्मक, आशीर्वाद युक्त मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है, उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। किसी मंगलाचरण में अगर आशीर्वाद शीर्षक कोई बात जो मेंशन की है वो आशीर्वादात्मक है। उसके बाद सेकंड पहला रघुमंचन, ये तो बहुत ही फेमस है। कोई भी विद्यार्थी हो संस्कृत के, जो स्नातक है स्नातकोत्तर, उन्होंने एक कभी ना कभी पढ़ा ही होगा रघुवंशम। उसमें पहला इम्पोर्टेंट है रघुवंशम जो मंगलाचरण है, इसलिए सबसे पहले रघुवंशम ही हमने दिया है अभी। वागर्थ विव संपित वागर्थ प्रतिपत्ते जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। तो ये है, ये पहला लाइन बहुत बार आता है, बाघ अर्थ विभसन पिक्त हो बाघ अर्थ प्रतिपत्ति। ये कौन से काव्य के है वो हमको सबको पता है, रघुवंशम के। उसमें मेन पॉइंट क्या क्या है, उसमें ये है, ये नमस्कारात्मक है, नमस्कारात्मक है। पितरो बंदे, ये जो बंदे है, वंदना की है, उससे हमको पता चलता है ये नमस्कारात्मकम मंगलाचरण है। उसके बाद अनुस्तुप संध्या है, अनुस्तुप संध्या का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 अक्षर होते हैं, तो ये अनुष्टुप संध्या। उसके बाद
शिव पार्वती और पार्वती परमेश्वर, शिव पार्वती की यहाँ पे स्तुति की गई है। तो ये देवता है इस मंगलाचरण में। दूसरा क्या है? दूसरा है किरातार्जुन, श्रीय कुरुणा मधिपश्य पालनी प्रजासु व्यक्ति नियमंते वेतम स वर्णलिंग विदित समय गिरिस्तिरं दैत्यवने पनिसन। यहाँ पे किरातार्जुन का मंगलाचरण में यहाँ पे मेन पॉइंट यह है कि यह वस्तु निर्देशात्मक है। यहाँ पे निर्देश किया गया है, मतलब जब पांडव जो वनवास में थे तब उनको एक गुप्तचर द्वैत वन में आते हैं, जो युधिष्ठिर को दुर्योधन के जो कार्य है उनको सूचित करता है। सो ये वस्तु निर्देशात्मक है। उसके बाद वंशस्थ संध है। वंशस्थ संध भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो हमारे सिलेबस में भी है। तो उसका जो लक्षण है वो है बरंती वंशस्थ विलोम जत उचरो जाता जर, इसलिए 12 अक्षर होंगे एक एक पद में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है। तो ये वंशस्थ संध है। उसके बाद शिशुपाल वध, तीन नंबर शिशुपाल वध, श्रीय प्रति श्रीमती शास्त्रम जगत जगत जगन निवास वसुदेव वसदमणि वसंत दर्शावंतरम अंबर अंबर हिरण्य गर्भांग भुवंग मुनि हरिहि। हिरण्य गर्भांग भुवंग ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट तो मैंने कहना है भूल गया कि ये जो जितने भी हमने ये मंगलाचरण हमने पढ़ा है, कम से कम कंथस नहीं तो एक 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार जितना हो सके बार बार देखने से, रिपीट करने से एक बार एक आइडिया हो जाता है। मतलब पहला वर्ड देखने से ही पता चल जाएगा कि कौन से ग्रंथ के है। इसलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए रिपीट करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा ये मंगलाचरण। एक बार दो बार पढ़ने से कभी याद नहीं होगा, इसलिए कहते हैं बार बार रिपीट करना पड़ेगा हमें पढ़ने के लिए। शिशुपाल वध पढ़ रहे थे, इसमें भी श्रेय है उसमें भी श्रेय है, सो कन्फ्यूज हो जाएगा। किरातार्जुन का मंगलाचरण क्या है और शिशुपाल वध का मंगलाचरण क्या है, दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है विद्यार्थियों को, क्योंकि दोनों में सबसे पहला शब्द जो है वो श्रेय है। इसलिए एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सा मंगलाचरण किस कंत्र का है। श्रेय कोरोना मधिवश्य पालनिंग प्रजा सुमित यमंगते वेदितम, सिर्फ एक ही लाइन दिया होगा सो उनसे हमको आइडिया लगाना पड़ेगा। उसके बाद स वर्णिलिंग वेदित समय दैत्य बने बने सर, इसमें एक और शब्द है वर्णिलिंग। वर्णिलिंगी का मीनिंग क्या है? वर्णिलिंगी का मीनिंग है गुप्तसर, ब्रह्मसर, गुप्त ब्रह्मसर ही गुप्तसर, तो वर्णिलिंगी उसको बोलते हैं। और दैत्यवन क्या है? दैत्यवन जहाँ पे पंच पांडव जो वनवास में थे वो दैत्यवन थे। उसके बाद शिशुपाल वरम, श्रीपति श्रीमती शास्त्री जगत जगन निवास वसुदेव सदमणि वसंत दशावत वतंतरम अम्बरात हिरण्य गर्भांग भुवंग मुनि होरि। उसके इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? ये भी वस्तु निर्देशक। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि जो बृहत्त्रय के अंतर्गत जो महाकाव्य है, तीन महाकाव्य है, शिशुपाल वध, नैषधीय श्वेतमान, किरातार्जुन, उन तीनों के मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है, वो याद रखने से बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद ये भी वंशस्थ संध है और पहला ये भी वंशस्थ संध था। और एक इम्पोर्टेंट वर्ड था हिरण्य गर्भांग भुवन, ये कौन है? ये नारद मुनि है, नारद मुनि सिंह है हिरण्य गर्भांग भुवन। उसके बाद नैषधीय सरितम, नैषधीय सरितम का मंगलाचरण, निपित क्षितिरक्षण कथा तथा जीयंते न बुध सुधामपि नल शिशिमंडल राशि राशि महासन भूत जल। इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है, सो एक ही पॉइंट है वस्तु निर्देशक। उसके बाद नलसम जयति गिरीशिता काम संताप वाही वीरषि रस निशिक चंद्रमौली तदनु स विजयते कीर्तिभाजन कविना मस स कृग मृत बिंदुष्यन दिनो बागपिलास। इसमें देखने लायक पॉइंट्स है कि ये यहाँ पे शिव जी की स्तुति की गई है। जो अगर स्तुति की गई है वो तो हमें पता चल जाएगा क्या है, वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण यहाँ पे स्तुति की गई है। उसके बाद गिरीसुता नाम से किसको जाना जाता है? वो है उमाया पार्वती। उसके बाद चंद्रमौली जो शब्द है वो किसको जाना जाता है? वो शिव जी को चंद्रमौली भी कहते हैं, उनके सिर पर कीर्ति के रूप में उसको चंद्र को धारण किए हुए थे, इसलिए उनको चंद्रमौली भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मालिनी संध,
मालिनी चंद्र फिर से हमको नेट के एग्जाम में, नेट के सिलेबस में फिर से इसका भी मेंशन है, मालिनी चंद्र। मालिनी चंद्र क्या है? ना ना म या उतय मालिनी भोगी लोकई। यह संध्य, संध्य के बारे में भी हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे पीडीएफ के तौर पर, ताकि सब लोग, सब बच्चे देख सके, लाभान्वित हो सके। इसके बाद दशरूपकम, दशरूपकम, दशरूपकम के लेखक कौन है, दशरूपक के लेखक कौन है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ये होमवर्क है, ताकि इंटरेक्शन भी बने विद्यार्थियों के साथ से, नहीं तो बहुत ही बोरिंग, बहुत ही मोनोटोनस हो जाएगा कि मैं ही बोलता रहता हूँ, आप लोग से वीडियो देखते हैं चले जाते हैं। तो ऐसे तो प्रिपरेशन के पानी में प्रिपरेशन तो होगा नहीं ऐसे, तो इसमें इसलिए हम होमवर्क भी देंगे, होमवर्क भी करना पड़ेगा। इसलिए होमवर्क कैसे करेंगे, होमवर्क कैसे करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना तो पता चलेगा। और मैं सच्ची कहता हूँ, मुझे कमेंट पढ़ के बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैं कहता हूँ कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन था, फिर से रिपीट कर देता हूँ, दशरूपक ग्रंथ के लेखक कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेखक कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। फिर वीडियो देख के चले मत जाना खाली फोकट, जियो है तो फ्री में देख के निकल मत जाना, थोड़ा आप भी कंट्रीब्यूट करो वीडियो में, तो अच्छा लगता है वीडियो बनाने में, हम भी बना ही रहे। सो दशरूपक है, उसका जो मंगलाचरण है वह नम तस्मय गणेशा यत कंथ पुष्कार मरा भोग धन धान्य नीलकंठ से तांडवे। उसमें यहाँ पे किसी को कन्फ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे नीलकंठ या शिव जी का स्तुति की गई है या गणेश जी की, इसमें हम क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे गणेश जी की ही स्तुति की गई है। नीलकंठ उस गणेश जी की विशेषण के रूप में काम कर रहा है कि नीलकंठ के जो सुपुत्र है वो गणेश जी है, इसलिए गणेश जी की ही स्तुति की गई है इस मंगलाचरण में। उसके बाद नेक्स्ट नाट्यशास्त्रम, नाट्यशास्त्रम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन सीखने में क्या जाता है, सीखे लो, फ्री में सिखा रहे तो सीख लो। नाट्यशास्त्रम प्रणम शिरसा देव पितामह महेश्वर नाट्यशास्त्रम प्रवक्षा में ब्रह्मणा यदुदा हितम। इसमें भरत मुनि ने किसके पाठन किया है, वो ब्रह्मा जी के, क्योंकि भारतीय संस्कृति की एक आधार है, एक विश्वास है कि नाट्यशास्त्र ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि की थी, उत्पत्ति की थी, इसलिए ब्रह्मा जी को ही पहले, सबसे पहले प्रणाम किया है, इसलिए ब्रह्मा जी इस स्तुति के देवता है इस मंगलाचरण के। उसके बाद थेन्नालोक के लेखक है आनंद वर्धन। उसके बाद शस्य केसरी नस्या शीतंदिव त्रयंतंग व मधुरिव प्रपन्नाति सिंधु नखा। यहाँ पे भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल अलंकार का प्रयोग किया गया है, अलंकार का नाम हम नहीं बताएंगे, नेक्स्ट हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब अलंकार के वीडियो बनेंगे, लेकिन एक बार आप लोग देख लो। शस्वा केसरी नस्वस्वसाया शीतंदिव त्रयंतंग व मधुरिव प्रपन्नाति सिंधु नखा। इस शब्द में एक बहुत ही प्यारा सा अलंकार है, प्यारा मतलब ब्यूटीफुल अलंकार है, जो हम बाद में बता देंगे, अभी रिवील नहीं करेंगे। सब लोग रिवील कर देते हैं ना, रिवील नहीं करते आजकल, बहुत सालाक हो गए हैं, तो हम भी थोड़ा सालाक बन रहे वीडियो बना के, तो नेक्स्ट वीडियो में। तो ये क्लिप हैंगर है, ताकि आप भी नेक्स्ट वीडियो हमारी देखें जरूर इस आंसर का। तो फिर से मिलेंगे एक ही टाइम पे, एक ही वीडियो पे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए, मैं इस शब्द में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, इसमें अलंकार तो छोड़िए बाद में, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, इसमें कौन से देवता का स्तुति की गई है, वो है नृसिंह देवता का। नृसिंह जो अवतार है भगवान विष्णु का, उसका स्तुति की गई है, तो ये भी नमस्कारात्मकम मंगलाचरण है। उसके बाद नेक्स्ट है काव्य प्रकाश, तो सबने पढ़ा ही होगा, सभी काव्य के विद्यार्थी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें क्या है, नियतिकृत नियम रहित हलादेक महिम अनन्य परतंत्र नवर्ष विश्रांग निर्मित आदि आदि भारती कवि जयते। इसमें ये ज़्यादा नहीं आता लेकिन पढ़ने में क्या जाता है, पढ़ ही लेते हैं। उसमें भारती, माँ भारती सरस्वती की स्तुति की गई है। उसके बाद साहित्य दर्पण बहुत ही फेमस है, शरद इंदु सुंदर ऋषि सामने गिरांग देवी अपहित तम शांततम अर्थन अखिलान प्रकाश हेतु। उसमें भी सरस्वती देवी की, दोनों ही काव्य के बहुत ही प्रख्यात ग्रंथ है, दोनों में ही सरस्वती देवी का मंगलाचरण किया है, स्तुति की गई। उसके बाद वक्रोक्ति जीवितम जगत तृतीय वैशिष्ट चित्र कर्म विधायनम शिव शक्ति परिस्पंद मातृपकरणम नमः। यहाँ पे शिव जी की स्तुति की गई है, ये भी फिर से नमस्कार। और ये है अभी, ये तो हमारा नाम है वीडियो प्रेजेंटर। तो यही था वीडियो का शीर्षक और वीडियो का कंप्लीट नोट्स, ये पहला पार्ट है।
इसके बाद हम नेक्स्ट पूरा कंप्लीट कवरेज कवर कर लेंगे सिलेबस को, ताकि छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे ताकि ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि हमको हम सबको पता है हम आजकल फ्री इंटरनेट में हमको 10 सेकंड से ज़्यादा वीडियो देखने में हमको मज़ा भी नहीं आता, इतना क्या बोलते हैं, इतना पेशेंस भी नहीं है, हम लोग इंपेशेंट लोग हैं, तो इतना छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि सबको बेनिफिट हो सके। तो PDF भी हम ज़रूर डाल देंगे, टाइप कर रहे हैं, कुछ दिन बाद ज़रूर डालेंगे। तो PDF पाने के लिए और ऐसे संस्कृत के अमेजिंग नॉलेज, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को भी समर्थन कीजिए, हमारे प्लेटफॉर्म को, शिक्षा केंद्र प्लेटफॉर्म को भी समर्थन कीजिए। तो यही था छोटा सा वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। कोई भी कोई एडवाइज हो, कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो, वीडियो में ज़रूर कमेंट कर दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कर सकें, एमुलेट जो भी हो सके। वीडियो सजेशन ऑलवेज वेलकम। तो यही था, आशा करता हूँ सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। धन्यवाद।